डीयू में छात्र संघ चुनाव 12 तारीख को हैं और ऐसे में समय कम होने की वजह से प्रचार प्रसार और तेज हो गया है। डीयू के सभी कॉलेजेस कवर करने के लिए प्रत्याशी दिन रात एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018 के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने अपने उम्मीदवारों के पैनल का ऐलान होने के बाद से ही प्रचार की रफ्तार भी तेज कर दी है। सभी उम्मीदवार कॉलेजों में घूम घूम कर छात्रों को अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। डूसू चुनाव के लिए 12 सितंबर को वोटिंग है। कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई ने सन्नी छिल्लर को प्रेसिडेंट, लीना को वाइस प्रेसिडेंट, आकाश चौधरी को सेक्रेटरी और सौरभ यादव को जॉइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार बनाया है। इस बार का जो हमारे मुद्दे हैं सारे सिर्फ स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हैं। हमने लास्ट ईयर 4 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 सीटें निकाली थी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, और इस बार हम चारों सीटों पर आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। और इस बार अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं तो सबसे पहले हम अपने यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टाइटल दिलवाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टाइटल दिलने से हमें 1000 करोड़ का बजट मिलेगा, जिससे हम उस बजट को पर स्टूडेंट पर 75,000 लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित एबीवीपी ने इस बार अंकित बसोया को प्रेसिडेंट, शक्ति सिंह को वाइस प्रेसिडेंट, सुधीर डेढ़ा को सेक्रेटरी और ज्योति चौधरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। हमारा जो मेन टारगेट अभी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1.5 लाख छात्र है, हम कोशिश करेंगे कि 1.5 लाख छात्रों तक हम पहुंचे। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से छात्र हम लोगों से मिल सके और हमारे एवीपी के एजेंडाज उन तक जाएं, क्योंकि तब तक विद्यार्थी तक एजेंडा नहीं जाएंगे वो क्यों वोट डालेंगे। हमारा मेन मकसद उन तक एजेंडा पहुँचाना है। आजता की ओर से इस बार प्रेसिडेंट के लिए अभिज्ञान और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अंशिका नाम फाइनल किया है। वहीं सीवाईएसएस की ओर से सेक्रेटरी पद के लिए चंद्रमणि देव और जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए सन्नी तंवर चुनाव मैदान में उतरे हैं। सभी संगठन जहां अपने साथियों के साथ प्रचार कर रहे थे तो आयशा के कैंडिडेट अकेले ही दिखे, ना हाथ में पर्चे ना गाड़ी। और ऐसा नहीं है हमारा कैडर नहीं है, आयशा की कल रैली हुई थी, कल आयशा सीवाईएसएस की भी रैली हुई, बिकॉज वी नीड टू शो आवर प्रेजेंस, वी नीड टू शो द स्टूडेंट्स दैट वी आर हियर। बाकी हम यूजुअली बिलीव करते हैं क्लास टू क्लास कैंपेन में कि हम स्टूडेंट के पास जाएं, अपनी बात रखें। आप यहां पर देखेंगे आपको हर पार्टी के पर्चे दिख जाएंगे, हमारा नहीं दिखेगा, क्योंकि हम बात करते हैं, हम डिस्कशन के थ्रू पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। यार की शोर मचाकर अगर कोई वोट दे दे तो उससे ज्यादा उदास कोई हो नहीं सकता। बहरहाल प्रचार प्रसार में कोई पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। छुट्टी वाले दिन भी कैंडिडेट्स हॉस्टल में छात्र छात्राओं के बीच दिख रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट। जेएनयू आजकल पूरी तरह से चुनावी के रंग में डूबा हुआ है। छात्र संगठन इस बार छात्रों से नए नए वादे कर उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र संगठन एबीवीपी इस चुनाव में छात्रों के बीच जाकर अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहा है। एबीवीपी ने छात्राओं के लिए जेएनयू के हर ब्लॉक में सेंट्री वेडिंग मशीन लगाने का दावा किया है। साथ ही एबीवीपी के घोषणा पत्र में और क्या कुछ नया है, ये जानने के लिए जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ललित पांडे से खास बातचीत की। जेएनयू के अंदर छात्र संघ चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर है। तमाम छात्र संगठन इस वक्त अपने चुनावी प्रचार में पूरे जोर शोर से जुड़े हुए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है एबीवी के सेंट्रल पैनल के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार ललित पांडे। ललित, ये जानना चाहेंगे, कैंपेन तो आपका चल ही रहा होगा जाहिर सी बात है, लेकिन किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है इस पूरे प्रचार में आपकी तरफ से? देखिए, जो जेएनयू की मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर कभी भी इस कैंपस में आवाज़ नहीं बुलंद की जाती। जो जेएनयू एसयू में जीत कर आने वाले लोग हैं वो कभी भी बेसिक एमिनिटीज पर बात नहीं करते, चाहे वो हॉस्टल का मुद्दा हो, मेस की टेबल से लेकर क्लासरूम की टेबल तक के जो भी बेसिक इश्यूज हैं, हम उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन मुद्दों पर आम छात्रों के पास जाते हुए उनकी भी राय हम ले रहे हैं, कि उनका फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरीके से इस कैंपस में लगातार संघर्ष करने के बावजूद क्यों नहीं इस कैंपस में आज तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। हम देखते हैं यहाँ अटेंडेंस का मुद्दा है, यहाँ हेल्थ सेंटर का मुद्दा है, 24x7 आज तक हेल्थ सेंटर नहीं हुआ। फेलोशिप का इतना बड़ा मसला इस कैंपस में है, नॉन नेट फेलोशिप
जो 2000 रुपये मिलती है, और बल्कि हमारा जो मेस बिल है वो 2700-2800 तक पहुँच रहा है। तो MCM भी हमारी डिमांड है कि 2000 से उसका 5000 हो, नॉन नेट फेलोशिप 5000 से 10000 और 8000 क्या 16000, इतना कम से कम होना चाहिए। और इस कैंपस में जब हम हॉस्टल के मुद्दों को लेकर बात करते हैं तो उसमें नए हॉस्टल बनाना और जो पुराने हॉस्टल हैं उनमें भी रिनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। हाइजीन की बहुत प्रॉब्लम है, हेल्दी फूड होना चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जो JNU के आम छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस कैंपस में पैलेस्टाइन पर डिबेट होती है और जाहिर सी बात है होनी चाहिए डिबेट, पैलेस्टाइन पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की प्रॉब्लम है तो उस बात पर भी हमें गौर फरमाना होगा। एक चीज़ और, पिछले 2 साल का अगर देखें JNU के अंदर का माहौल, तो JNU की बाहर ऐसी इमेज बन रही है कि ये देश विरोधी एक यूनिवर्सिटी बन गई है, उस इमेज को कैसे तोड़ेगा ABVP? देखिए, पूरा कैंपस, पूरा JNU देश विरोधी नहीं है। इस कैंपस में कुछ ऐसे वामपंथी हैं जो इस यूनिवर्सिटी को मलाइन करना चाहते हैं, जो इस कैंपस को एक धूमिल चेहरे के रूप में दिखाना चाहते हैं। और इस कैंपस में जब 2016 9 फरवरी को नारे लगे थे भारत तोड़ो के साजिश के साथ, उसके खिलाफ हम हैं। इस यूनिवर्सिटी का प्रत्येक स्टूडेंट, हर आम छात्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को जो इस देश के खिलाफ बोलते हैं, हम उनके खिलाफ केवल इसी कैंपस में नहीं, देश की हर यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, जो भारत को तोड़ने की साजिश करते हैं, जो भारत विखंडन की बात करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें, लेकिन पूरा कैंपस देशद्रोही नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर ABVP का साफ कहना है कि अगर इस कैंपस में रहना है तो देश विरोधी नहीं, देश हित बातें करनी होगी। रही ABVP के वादों की बात, तो जल्द ही जो वादों का जो पिटारा है, यानी जिसको घोषणा पत्र बोला जाता है, वो जल्द ही तैयार होगा, वो छात्रों के बीच आएगा। और ABVP इस बार छात्रों के बीच में जाकर अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है, जिसमें सैनिटरी जो मशीनें हैं वो लगाने से लेकर महिलाओं को कई तरीके की सुविधाएं देने के वादे किए जाएंगे। कैमरामैन सुरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।